हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे प्यारे से चैनल राधा जोशी ब्लॉग पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और ब्लॉगिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए आज के ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और आप अपना प्यार इस तरह बनाए रखें हमारे चैनल पर, हो सकता है आपको इन फ्यूचर और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलें। और प्लान कर रहे हैं हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकें। तो आज की वीडियो इन्जॉय करिएगा, पूरी की पूरी देखिएगा ज़रूर। और लास्ट वीडियोज अगर नहीं देखी हैं तो वो भी जाके एक बार विजिट कर जरूर करिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर चुके हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए प्लीज़, ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के साथ एक दिन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच ऑल, बने रहिएगा। देखते हैं आज पूरे दिन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और आज एक रेसिपी हम शेयर करने वाले हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, हो सकता है सभी घर में बनाते हों, बट हाँ वीडियोस हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो एक रेसिपी है, शेयर करिए आपके साथ, तो एंजॉय करिएगा उसको और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू। आ चुका है हमारे घर में मैदा और पकोड़े की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए हैं, हरी मिर्ची इसके अंदर बहुत सारी डाली हैं, हरी मिर्ची प्याज, और देखते हैं क्या क्या मसाले डालते हैं इसके अंदर। नॉर्मली नमक मिर्च मसाले डालेंगे और मैदा गूंद लेंगे हम। और आज बनने वाली है कढ़ी और पराठा, नान घर पर बनाएंगे आज कढ़ी और नान। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं क्या क्या हम कैप्चर कर पाते हैं। एक्चुअली मैं अकेली होती हूँ तो कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार फ़ोन को छोड़ना पकड़ना। तो देखते हैं क्या क्या, जितना भी हो पाएगा उतना आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर। हमारे घर में एक प्यारा सा नन्ना सा मेहमान आया है। हेलो सोना, छोटा बच्चा है तू, कितने छोटे से कहाँ खेल रहा है? ओ हीरो, कहाँ खेल रहा है? हाँ कहाँ गया? मासी के साथ घूमने आया है? मासी के साथ तो गाइस ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा बाबू, यह आया था आज हमारे घर हमसे मिलने के लिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर, और इस छोटी सी बेबी के लिए एक स्माइल और एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं इसकी नटकर नटखेलियाँ और मज़ेदार मज़ेदार इसकी क्यूटी पाई सी स्माइल। तो गाइस ऐसे ही बनी रही है हमारे चैनल पर और आगे देखते हैं आज की जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं क्या बनाने वाले हैं, चलिए चलते हैं। तो गाइस आ जाते हैं हमारी रेसिपी के ऊपर। जो आज की रेसिपी है वो हम बनाने वाले हैं बेसिकली कढ़ी पकोड़ा और साथ में बटर नान। तो यहाँ पे पकोड़े की प्रिपरेशन चल रही है, उसमें मसाले तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला बेसन, और बेसन तो इसमें डालेंगे और साथ में जो कढ़ी के लिए जो ग्रेवी स्टार्ट करनी है उसके लिए भी उसमें भी बेसन डाल देंगे। और यहाँ पे दोनों पार्ट में बेसन डालने के बाद फ्री हो जाएंगे, डब्बा फ्री हो जाएगा, देन दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं हम। अब आ चुके हैं हम पकौड़े के ऊपर वापस, और पकौड़े के अंदर हम डाल रहे हैं इस समय जीरा, और नॉर्मली जो घर में हम मसाले यूज़ करते हैं लाइक हल्दी और क्या करते हैं हम लाल मिर्च पाउडर, तो यहाँ पे मैंने जीरा हल्दी लाल मिर्च पाउडर और डाल दिया है नमक। और यही चीज़ जो नॉर्मली घर में जो मसाले यूज़ करते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं, मतलब जो भी हम घर में मसाले यूज़ करते हैं सब्ज़ी के लिए वही डालेंगे। और पकोड़े की ना स्टफिंग तैयार कर लेंगे, पहले इसको सारे में मिक्स कर लेंगे, जो भी मसाले हैं प्याज और बेसन के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक छोटा सा थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। और गाइस अगर आपने इसमें प्याज डाला है ना तो एक चीज़ अच्छी होगी इसके साथ, पकोड़े टाइट नहीं होंगे, पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे आपके और हमारे भी। तो यहाँ पे हम इस बैटर को तैयार करके इसको 15-20 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट पे, ताकि अच्छे से इसमें ये फर्मेंटेड जो हो जाए या थोड़ा सा फूल जाए, बेसिकली थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इसको रेस्ट रूम में। और ये हमारे तड़के की तैयारी करने के लिए आ चुका है सामान। अभी ये हरी मिर्ची, मेथी दाना, जीरा और धनिया, और साथ में इसमें और भी चाहिएगा एक चीज़ अभी आएगी थोड़ी देर के बाद। तो हमने जैसे कि लस्सी में बेसन डाला था, अब हम इसको चला लेंगे, मतलब लाइक मधानी से ना इसको मत लेंगे। किसी के घर मधानी नहीं होती तो कई लोग हाथ से भी करते हैं और कई लोग मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक हम ऐड ऑन कर देंगे ताकि नमक का थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम हल्दी और क्या डालेंगे, साथ में डालेंगे मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें ही रहेंगी, बस ज़्यादा नहीं रहेगा और कुछ।
थोड़ा थोड़ा ही डाल लेंगे बिकॉज तड़के में भी हम डाल सकते हैं बाद में अगर कम रह जाएगा तो। अब यह है मधानी और इसके साथ मत लेंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर गांठियाँ जो गुठलियाँ हैं वो हट जाएँ और ये बेसन सारा मिक्स हो जाए इसके अंदर तो अच्छे से। चलिए पहले इसको मत लेते हैं, देन आपको मिलेंगे हम दोबारा रखने के बाद, ठीक है गाइस। और ये देख सकते हैं मैंने मत लिया इसको अच्छे से अब, और इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रही है, सारी गुठलियाँ जो हैं बेसन जो घुल चुका है पूरा लस्सी के अंदर दही के अंदर। और इसको कर लेंगे हम मधानी को साइड में और इसको चढ़ा लेंगे हम अब गैस पर। तो चलिए गैस पर रख देते हैं इसको, और इसके रखने के बाद क्या होगा तो गाइस यहाँ पे रख दी थी हमने कढ़ाई, और कढ़ाई के बाद यहाँ पे हमने मैं जैसे कि मसाले दिखाए थे आपको, तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो गई है वो है लहसुन और हींग, दो चीज़ें ऐड हो गई है। तो ये इससे लगेगा तड़का, अभी कर देते हैं इसको साइड और एक बार बैटर को देख लेते हैं अच्छे से चेक करके इसकी थिकनेस क्या है, पतला तो नहीं है, मोटा तो नहीं है, गाढ़ा तो नहीं है। और इसके साथ साथ में हम गूंदेंगे मैदा, और मैदे में मैं डालूँगी गेहूं का आटा बिकॉज खाली मैदे के ना जो नान बनता है वो अच्छा नहीं बनता, वो मतलब खिंचा खिंचा सा चबाया भी नहीं जाता ढंग से। तो हम मैदा निकाल लेते हैं और इनको छान लेंगे और आटे को भी छान लेंगे भी, और छानने के बाद हम इसमें क्या मिलाएंगे, थोड़ी सी शुगर जिसको चीनी बोलते हैं, और मिलाएंगे इसमें नमक, और मिलाएंगे इसके अंदर थोड़ा सा घी, मतलब घी आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या जो भी आप देसी घी मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइस ब्रैन ऑयल लिया है तो वो मिला लेते हैं, और इसके बाद इसको हम गूंद लेंगे अच्छे से, और गूंदने के बाद इसको रेस्ट पे रख देंगे, एक दो घंटे की रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से मतलब जो है मथा जाए और इसकी जो नान बने वो बहुत यम्मी सी बने। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही गूंद के रख लेंगे, और जब यूज़ करने का टाइम होगा एक बार फिर इसको मुक्की मार के अच्छे से गूंद लेंगे इस तरीके से। तो अभी हम इसको दरदरा सा ऐसे ही गूंद के थोड़ा सा रख लेते हैं, और साइड बाय साइड हम दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देते रहेंगे बिकॉज जो लंबा प्रोसेस है आज का जो खाने का वो अलग अलग वे में है, किस तरफ पकौड़े बनने हैं, किस तरफ तड़का लगना है, किस तरफ आटा गूंदना है। तो यहाँ पे एज इट इज़ हम आटा गूंद के रख लेंगे, इस पर घी लगा के थोड़ा सा हाथ लगा के ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से मथा जाए बाद में। तो गाइस यहाँ पे आटा गूंद चुका है, इसको ढक्कन लगा के हम रख देंगे रेस्ट पे एक दो घंटे की, जितना भी आपको रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसमें हमने फूलने के लिए कुछ नहीं डाला बिकॉज हम भटूरे वगैरह नहीं बनाने वाले, तो हम इसका ढक्कन लगा के भी साइड कर देते हैं। और यहाँ पे एक बार हम अपनी कढ़ी को भी देख लेंगे जो कट रही है, कढ़ी का मतलब बेसिकली क्या होता है कड़ना, तो कढ़ी कट रही है, कढ़ी कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है ना कढ़ी का। तो अभी तो जस्ट ये 25% जो इसका पार्ट है वो अभी बना है, तो अभी जो 75% रह गया बनने के लिए वो देख सकते हैं आप, गैस जल रहा है और ये कढ़ी जा रही है तब से, है ना। तो यहाँ पे हमने आटा गूंद लिया है, तड़के की प्रिपरेशन कर ली है, और अब हम घी डाल दिया कढ़ाई के अंदर और देखते हैं एक बार गर्म हुआ या नहीं हुआ। और इसको चेक करने का एक और तरीका भी है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम घी गर्म होने देते हैं अच्छे से, और थोड़ा सा ना इसको और अच्छे से घुमा लेते हैं, मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं ताकि पकौड़े हमारे और सॉफ्ट सॉफ्ट यमी यमी बने। तो यहाँ पे ग्रीन चिली देखिए खूब सारी डाली है मैंने, एक्चुअली ये वाली वो ग्रीन चिली है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जीरा दे, मुझे कम लग रहा था, मैं और डाल लेती हूँ, और इसको कर लेते हैं मिक्स एंड मैच। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, कढ़ी को भी हिलाते रहेंगे साइड बाई साइड ताकि वो लगे ना कहीं पर, और कढ़ी की कंसिस्टेंसी भी चेक करते रहेंगे कि गाढ़ी या पतली ना हो। तो बिकॉज अगर पतली होगी नान के साथ तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, और बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। चावल के साथ तो पतली तब भी चल जाती है, बट नान के साथ पतली पतली नहीं चलेगी। तो इसको थोड़ा सा करने देते हैं और फिर एक बार देख लेते हैं, कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो आग जल रही है पूरे तरीके से, जो गैस है फ्लेम उसका फुल रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसन लेंगे और इसको चेक करेंगे कि गर्म हुई है नहीं। तो जैसे ही बेसन में बेसन डालते ही ना एकदम से अलग हो जाता है, चिपकता नहीं है या नीचे तले पे नहीं बैठता, इट मीन्स हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है और इसमें पकोड़े हम बना सकते हैं। तो हम पहला पकोड़ा जो निकाल के अग्निदेव को डालेंगे, गैस के ऊपर रख देंगे ताकि अग्निदेव के लिए हो जाए पकोड़ा पहला। तो निकाल लेते हैं इसको, और अच्छे से पक रहा है इट मीन्स हमारा जो ऑयल है परफेक्ट है। तो ये हम अग्निदेव के लिए रखेंगे और अगले पकौड़े की हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया अपने हाथों का, और इसमें यम यम पकौड़े बन रहे हैं हम। तो आ जाइए पकौड़े ही खा लीजिए, कैसे लगे
आपको वीडियो ये भी बताइएगा ज़रूर, और पकौड़े किस किस को पसंद है ये भी बताइएगा ज़रूर। तो बस आपके जब कमेंट्स आते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ आपने वीडियो देखी, अदरवाइज तो ऐसा लगता है मतलब जितने सब्सक्राइबर हैं उसके अकॉर्डिंग भी अगर व्यूज़ आ जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाए। बट हाँ ऐसा होता नहीं है, किसी के साथ भी नहीं होता, क्योंकि लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं बट उनको लाइक नहीं करा जाता। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो आपको अच्छी वीडियो लगेगी तो लाइक ज़रूर करोगे। होप सो मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो इस वजह से लाइक नहीं आ रहे, बट जितने भी लाइक करते हैं जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको दिल से थैंक यू सो मच गाइस। तो यहाँ पे हमारे चल रहे हैं पकौड़े की तैयारी। अब हमारी कड़ी में एक और फाइनल टच होने वाला है पकौड़े, देन उसके बाद जो बनेगा वो लगेगा इसको तड़का। तो यहाँ पे मैं पकौड़े सारे ही डाल देती हूँ एक बार में, बिकॉज धीमी धीमी आग पे ये पकते रहेंगे। और आग का जो फ्लेम है वो हमने थोड़ा सा कम कर दिया ताकि अच्छे से पकौड़े अंदर से कच्चे कच्चे ना रह जाएँ। और पकौड़े मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए, छोटे छोटे से पकौड़े बनाए हैं, इनको एक बार पलट लिया। पलटने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से और पलट लेंगे और ना देखेंगे नीचे तो नहीं चिपक रहे और कोई कच्चा पकौड़ा तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारे पकौड़ों को चेक कर लिया है और सिम आग पर ही पक रहे हैं अच्छे से, और पक चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े पक चुके हैं। अब इनको हम निकालेंगे प्लेट में अच्छे से छान के। कई लोग ना पकोड़े को मतलब तलना नहीं कहते, उनको बोलते हैं पकोड़े छानने हैं, पूड़ी छाननी है, तो हम छन्नी से निकालते हैं इट मीन्स तभी बोलते हैं उसको छानने हैं। तो हम छन्नी से पकोड़े निकाल लेते हैं और इसका जो ऑयल है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्लेट के अंदर हम सारे पकोड़े निकाल लेते हैं छन्नी के थ्रू, छन्नी की सहायता से। तो भाई अब जो ये तेल बचा है ना इसका ही हम यूज़ करने वाले हैं तड़के के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अभी तेल बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पर सारा जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल लेंगे और जो थोड़ा सा तेल बचेगा उसका यूज़ करेंगे हम तड़के के लिए। तो ये हैं हमारे सारे के सारे पकोड़े बनके रेडी और ये कढ़ी में कूदने को तैयार हैं। तो वेट कराते थोड़े से देर इसको हम, और दिखा दूँ आपको कि ये पकोड़े कैसे बने हैं लाइट पे ले जाके। तो देखिएगा इस पकोड़े इस तरीके से बने हैं और आप इसको सॉस वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे हमारा तड़का जो है तैयार हो चुका है, हींग और उसको सारे के सारे मसाले अच्छे से भुनने के लिए डाल दिए हमने, और स्लो पे है ना तो इस वजह से जलेंगे वगैरह नहीं, तो सिम पे अच्छे से उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। और हींग आप चाहे तो बाद में डाल सकते हैं, हमने ना कड़ी से काफ़ी थोड़ा सा कड़ी का जो वो थी वो डाल दिया और उसके बाद सारी कड़ी जो है हमने कढ़ाई में ही निकाल दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया और कड़ी ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट हो चुकी है हमारी। और अभी थोड़ी देर और कड़ती रहेगी, कड़नी कड़ी का मतलब ही कड़ना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर बहुत सुंदर है, सारे सामान बहुत सुंदर अच्छे से डल चुका है, कलर बहुत प्यारा आया है और कड़ी लुक वाइज बहुत सुंदर लग रही है। तो ये पकौड़ों की बारी आ चुकी है अब कड़ी में स्नान करने के लिए। तो कड़ी कट कट के देखिए ऊपर से लाल लाल हो चुकी है और पकौड़े चले गए कड़ी के अंदर। और क्या करना है और देखते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे हमारी कड़ी बन के रेडी है और गुस्से से कूद रही है, उछल रही है, बट हाँ अभी इसको थोड़ी देर और उछलने देते हैं ताकि जो पकोड़ों के अंदर इसका फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए और कड़ी का जो नमक मिर्च मसाले हैं सारे पकोड़ों के अंदर आ जाए। और यहाँ पे देखिए फाइनल हमारी कड़ी बन चुकी है, कलर देखिए कितना प्यारा है और थिकनेस भी हमें जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही है पूरी। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं अब तवा, तवे को हमने लोहे का ही यूज़ करना है। और यहाँ पे हमने आटे का एक लोई बना के नान बना लिया है और यहाँ पे हम इसकी एक तरफ क्या करेंगे बहुत सारा पानी लगा देंगे अच्छे से और इस तवे पे हम एज इट इज़ इसको डाल देंगे। तो ये हमारी नान अपनी शेप के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, गोल लंबी जैसी भी ना बनानी हो। तो हमने लिया है थोड़ा लंबा वाला शेप और फर्स्ट जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, देन सेकेंड टाइम पर हमारा ना हाथ थोड़ा फ्लो में आ जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट नान थी जो इस तरीके से बन रही थी और बट फिर भी जो फर्स्ट अटैम्प्ट था बहुत अच्छा रहा, कोई बुरा नहीं रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो नान में देखिए कलर कितना सुंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी नान बना सकते हैं। और मैंने ना इसमें ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं किया, मैंने आटा ज़्यादा मतलब आधा किलो अगर मैंने मैदा लिया है तो आधा किलो ही मैंने आटा लिया था और इनको अच्छे से गूंद लिया था, बताया था आपको क्या क्या डाला था इसके अंदर। तो ये हमारी नान जो है बन के तैयार हो रही है और खाने में भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलिए बनती है नान, देन फिर दिखाते हैं आपको। और नान कौन सी थी, बटर नान, देखिए कैसी फूली फूली नान बनी। और इसको रिमूव करना भी बहुत ईजी था और बनाना भी बहुत ईजी था।
इतनी बाहर से जो नान लेते हैं अच्छी तो लगती है बिकॉज बटर ही बटर लगा होता है उसमें, बट ये घर में भी नान बनी ना बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बनाइएगा कड़ी के साथ नान और खाइएगा आप भी, और बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, हमारी एक नान बनके तैयार है। और चलिए इसको उतारते हैं और इसको लगाते हैं बटर। तो यहाँ पे बटर कौन सा जाएगा, बटर तो आप सबको पता है अमूल का बटर है ना, तो अमूल का बटर आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ज़्यादा लगाना है कम लगाना है। तो हमें तो जितना चाहिए था हमने उतना इस पर मक्खन लगाया और इसको इंजॉय किया कड़ी के साथ। तो चलिए हमारी एक नान बन के रेडी है और कर लेते हैं अब हम अपनी एक नान के साथ प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कड़ी, और पहली कड़ी की प्लेट जो मतलब प्लेट जो जाएगी वो गुरु जी को भूख लगेगा, बट एक बाइट आपको लगा के दिखाएंगे ये कैसी है। और ये डाल लेते हैं कड़ी, और ये आ चुका है हमारा बटर नान। तो बटर नान को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्रश कर लेंगे इस तरीके से। और बहुत बहुत ज़्यादा गर्म था और मक्खन पिघल के बाहर निकल रहा था बिकॉज गर्म इतना था, तो हाथ जल रहा था मेरा। तो यहाँ पे फिर भी आपको एक बाइट हम बना के दिखाएंगे कि कड़ी की कंसिस्टेंसी क्या है और नान कैसा बना। नान एकदम से टूट रहा है, अच्छे से टूट रहा है, इट मीन्स मैदा ज़्यादा नहीं है। अगर मैदा होता तो फिर ये टूटता नहीं अच्छे से। तो ये रही हमारी कड़ी और ये रहा हमारा पकौड़ा, और आ जाइए खा